Different Neha. And she was sounding like my mother, so I thought my mother's calling me. Well, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं अलग अलग अंदाज से नजर आ रही हूँ, बस एक ही अलग अंदाज में नजर आ रही हूँ. और एक इंडियन एक्ट्रेस होने के नाते अगर आपने आज तक ऑन स्क्रीन अगर आपको 9 साल लग गए हैं साड़ी पहनने में, सो आई मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट एंड समथिंग रॉन्ग. बट इट्स जस्ट वेरी एक्साइटिंग कि मुझे इस तरह का लुक मिला, एक यू नो गर्ल नेक्स्ट डोर वुमन नेक्स्ट डोर का किरदार निभाने के लिए. और ऑल द थैंक्स एंड द क्रेडिट गोज टू सोनू एंड कबीर. थैंक यू. तो काफी अप्रिशिएट करा गया था. अगर आपकी आपके लुक की बात करी जाए, कहीं ना कहीं वो याद दिलाता है थोड़ा सा रोपण वाला कि जहाँ पे आपने संजय दत्त की वाइफ का किरदार निभाया था. ये बिल्कुल किस तरह से अलग होगा उससे? वेल आई थिंक मोस्ट इंडियन वाइफ लुक द सेम, और वो सलवार कमीज या साड़ी पहन के घूमती रहती हैं. एंड दैट्स द आइडिया जो हम सबको है. एंड आई थिंक इंटेंशन अलग करने की नहीं है, लुक अलग करने की नहीं है. इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि हम एक फिल्म बनाएं जो एक अच्छी कहानी हो, और एक किरदार एक ऐसा हो जो इतनी बड़ी एक्शन फिल्म में एक इमोशनल कॉर्ड चाहिए था हमारे डायरेक्टर को. एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई बीन एबल टू प्रोवाइड दैट.